हेलो जी, सत श्री अकाल। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन चीज। जी हाँ, भारत के जम्मू एंड कश्मीर में ये चीज तैयार किया जाता है और ये इटालियन चीज को भी फेल करता है। और इस चीज को कलाड़ी नाम से जाना जाता है और इसको दिल्ली में इंट्रोड्यूस करने वाले कलाड़ी किंग हैं। तो आइए यहाँ की कुछ कलाड़ी डिश ट्राई करते हैं और करते हैं रिव्यू। तो दोस्तों, हमने ऑर्डर कर लिया है मसाला कलाड़ी कुल्चा और ये हमारा कलाड़ी चीज तवे पर आ गया है। साथ में आ गई मसाला वाली मिक्स वेजिस। और गाइस, भैया हमारे कलाड़ी को परफेक्शन तक कुक कर रहे हैं। और दोस्तों, फाइनली कुलचे में ये देखिए आ गई हमारी बढ़िया सी मिक्स वेजिस। और जी, ये हमारा कलाड़ी कुलचा एकदम रेडी है। एक बार देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग और टेस्टी लग रहा है। और इसके साथ हमें मिल जाता है सैलेड, स्पेशल टिमरू और अनारदाने की चटनी, सौंठ वाली चटनी, पुदीने की चटनी और गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो देखते हैं जी इसका चीज फुल कैसे होता है। तो चेक करते हैं, काफी देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। ये मैं तोड़ रहा हूँ और इसका चीज पुल, और ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त। तो इसको टेस्ट करते हैं जी। पहले लेते हैं इनकी जो स्पेशल ये जम्मू की जो चटनी है इसके साथ, साथ में थोड़ा सैलड लेते हैं। बाइट तैयार है मेरी पहली। बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। जो हमारे यहाँ का जो चीज होता है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है इसका टेस्ट। इसमें दोस्तों बहुत ही गजब का है चीज ही, लेकिन काफी डिफरेंट है जो हमारे जो इंडियन जो हमारे ये चीज है जम्मू का और जो एक जो नॉर्मल चीज़ आता है, दोनों को टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। इसको कलाड़ी बोला जाता है जो जम्मू का बहुत ही स्पेशल है और काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी यम्मी है। तो दोस्तों, आपने वीडियो में तो देख ही लिया, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसा होता है ये चीज़। ये देखिए, मिक्स वेजिटेबल डले हुए हैं, ये इनका इसको कलाड़ी बोलते हैं इस चीज़ को, और काफ़ी क्रिस्पी भी है, काफ़ी यम्मी है। तो जी, अब मैं लेता हूँ इनकी ये स्पेशल जो चटनी है, खट्टी मीठी चटनी, इसके साथ लेके देखते हैं। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। मैं आज आया हूँ सुभाष नगर कलाड़ी किंग वालों के पास, और ये जो चीज़ है ना जिसे कलाड़ी बोला जाता है, ये और जो हमारे जो चीज़ मिलते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है और टेस्ट में भी एकदम गजब का है। तो आपको एक बार टेस्ट तो आपका जरूर करना बनता ही बनता है, तो आप जब भी यहाँ पे दिल्ली में आए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि दिल्ली में जो है ना इसको इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे जो फर्स्ट हैं वो हमारे कलाड़ी किंग वाले ही हैं। तो आपको भी यहाँ पे एनी टाइम आइए, दोस्तों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, तो इसको एक बार टेस्ट जरूर कीजिएगा। ये पक्का है कि आपको एक और चीज़ से ना बहुत ही अलग लगेगा, बहुत ही बेस्ट लगेगा टेस्ट में। तो मैं लेता हूँ जी अपनी एक और बाइट ये मिंट चटनी के साथ। तो मुझे ये खट्टी मीठी चटनी बहुत टेस्टी लगी थी, ये भी इनकी जम्मू की चटनी है, और ये मैं इस बार इसके साथ ले रहा हूँ, मिंट वाली जो पुदीने की चटनी के साथ। जितनी भी चटनी के साथ जैसी ले रहा हूँ ना, टेस्ट गजब का और एकदम टेस्ट बदल भी जाता है, मजा आ जाता है एकदम। अगर दोस्तों रेट करने की बात हो तो मैं इसको 10 में से 10 ही रेट करूंगा पूरे। तो दोस्तों, ये जो चटनी है ना इनकी सबसे खास है, ये जो बनती है ये जम्मू का ही आता है, एक टिमरू बोलते हैं, और अनारदाना मिक्स करके इसकी ये चटनी बनाई जाती है जो कि काफ़ी स्पेशल होती है इनके यहाँ की। तो गाइस, ये आपको ना ऐसा टेस्ट पूरी दिल्ली में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ही 10 में से 10। तो आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल बढ़िया। सर, सबसे पहले बताइए कि
अपना पहले शुभ नाम सर बताइए। तो मेरा नाम चरणजीत है। जी चरणजीत जी, और ये शॉप कितनी पुरानी होगी सर आपसे? इसको ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया है। 3 महीने अभी न्यू है शॉप? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो सर ये कैसे सूझा आपको कि ये जो है आपका कलाड़ी? सर एक तो जो कलाड़ी के लिए बारे में आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं, कलाड़ी चीज़ क्या होता है। जी जी, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर का मौजूदा चीज़ आप बोल सकते हो। हाँ जी, कि प्योर दूध से बना होता है। ठीक है, फ्रेश एंड हेल्दी चीज़ है, इंडियन हो गया। इंडियन चीज़ है। ठीक है, और ये जो जो हमें चीज़ मिलते हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बाकी सारे चीज़ जो प्रोसेस चीज़ होते हैं। हाँ, ये अपना नेचुरल चीज़ है। नेचुरल है, फ्रेश एंड हेल्दी। इसका टेस्ट भी अलग होगा काफ़ी? ये टेस्ट ऑलमोस्ट मोजरेला की तरह होता है, लेकिन उससे काफ़ी गुना बेटर है। ठीक है, एक तो प्रोसेस नहीं, बिल्कुल एकदम फ्रेश है। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये मैंने ले लिया है रॉ कलाड़ी, अंकल ने मुझे 2 रॉ कलाड़ी दिए हैं और कहा कि घर पर जाके इसको परौंठे में परौंठा बनाइए इसका स्टॉक करके, बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। तो इनके कहने पर मैंने ये भी ले लिया है। तो इसका जो प्राइस है 1 kg का है 700, और अगर आप 1/2 kg लेते हैं 450 पड़ता है, अगर पीस के हिसाब से लेते हैं तो 60 rupees पर पीस पड़ता है। गाइस आज का रिव्यू होता है कंप्लीट, बहुत ही ज्यादा मजा आया, आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फूडी दोस्तों को। और गाइस ये सर्दियां बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है, हम कवर करेंगे पुरानी दिल्ली के बेहतरीन जायके। तो मिलते हैं एक और शानदार जबरदस्त वीडियो में। बाय बाय, सत श्री अकाल।